क्या अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ छेड़छाड़ की है? दोस्तों, कल से सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड की खबरें छापने वाली कई वेबसाइट्स ने यह खबर छापी है, सनसनीखेज खबर, कि अपने अमेरिका के टूर पर अक्षय कुमार ने शराब के नशे में थुत होकर दिशा पटानी के साथ छेड़छाड़ की, वो भी स्टेज में। और उसके बाद दिशा पटानी नाराज़ हो गई और वो सीधा अपने होटल के कमरे में भागकर चली गई। तो आखिर इस खबर में सच्चाई कितनी है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अक्षय कुमार इन दिनों अमेरिका में हैं, अपनी टीम के साथ वो द एंटरटेनर्स टूर कर रहे हैं। इसमें उनके साथ दिशा पाटनी हैं, मोनी रॉय हैं, सोनम बाजवा हैं, जसलीन रॉयल हैं, नोरा फतेही जैसे तमाम स्टार्स उनके साथ मौजूद हैं इस टूर में। तो फिर ये छेड़छाड़ की खबर कहाँ से आई? इस ट्वीट से। उमेर संधु नाम के सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक ने 8 मार्च को ट्वीट कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज, अक्षय कुमार ने दिशा पटानी को अमेरिका में शो के रिहर्सल के दौरान हैरिस किया, जिसके बाद दिशा पटानी अपने होटल वापस चली गई। उमेर संधु, जो खुद ही अपने आप को साउथ एशिया का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिटिक और अडल्ट गॉसिप जर्नलिस्ट कहते हैं, उनके इस ट्वीट के बाद न केवल सोशल मीडिया पर लोग अक्षय कुमार को खरी खोटी सुनाने लगे, बल्कि कुछ वेबसाइट्स ने तो ये खबर की तरह छाप भी दी, जबकि इस खबर की सच्चाई का कोई अता पता नहीं है। आखिर उमेर संधु ने किस आधार पर इतने गंभीर आरोप अक्षय कुमार पर लगा दिए, जिस पर खुद दिशा पटानी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है? दोस्तों, इस आदमी क्या, अगर आप प्रोफाइल खंगालेंगे तो बड़े अजीबोगरीब ट्वीट्स ये आदमी करता है, इसकी आदत है। भाई साहब ने बता दिया था एक दिन पहले कि ऐश्वर्या राय अब बच्चन नहीं रही है, क्योंकि वो अभिषेक बच्चन से अलग हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा उमेर संधु को कल एक खुफिया जानकारी पता नहीं कहां से मिल गई थी, जिस पर उन्होंने ट्वीट किया था कि डॉन 2 की शूटिंग के दौरान बर्लिन में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने साथ में रात गुजारी थी, जिसका पता शाहरुख की बीवी गौरी खान को लग गया था और उन्होंने कहा था कि शाहरुख आइंदा फिल्म, कोई भी फिल्म प्रियंका के साथ साइन ना करे। यानी उमेर संधु, जो स्वघोषित अडल्ट जर्नलिज्म के नाम पर किसी के लिए भी कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं, उन्हीं ने उड़ाई इस ट्वीट के जरिए दिशा पटानी और अक्षय कुमार को लेकर यह खबर। अब उमेर संधु के इस ट्वीट के बाद कई लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को खुलकर सामने आना चाहिए और ऐसे आदमी के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। दोस्तों, 1% मान लीजिए कि अगर दिशा पटानी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है, तो ये बात जान लीजिए कि इस खबर की सत्यता केवल और केवल दिशा ही कर सकती है, जो अब तक अक्षय कुमार के साथ इस टूर का हिस्सा है। शायद अक्षय कुमार और उनकी टीम जानबूझकर उमेर संधु जैसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोग तो करते ही ऐसी उलझुल बातें इसीलिए हैं ताकि उनके 4-5 ट्वीट्स पर लोग चटकारे ले लें, उनको रिट्वीट्स मिल जाएं और 4-5 जगह इनकी कोई आर्टिकल वार्टिकल छप जाए। दोस्तों, ऐसा करके ये सो कॉल्ड गॉसिपर तो बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की प्राइवेट लाइफ पर इस तरह की हरकत करने से पहले, इस तरह की खबरें उड़ाने से पहले 2 बार ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। बात यहाँ पर अक्षय कुमार के अलावा दिशा की भी है। दिशा पटानी एक युवा स्टार हैं और आप उनको लेकर इतनी उलझुल बातें बिना उनसे पूछे, बिना उनका बयान डाले नहीं कर सकते। दोस्तों, अक्षय कुमार, दिशा पटानी, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय पर बिना आधार ऐसी बातें करने वाले इस आदमी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।